नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रेलवे ने इन 5 ट्रेनों का परिचालन किया रद्द। चंद्रयान 3 मिशन में बिहार के लाल अमिताभ ने निभाई यह भूमिका। बिहार में इन 14 दवाइयों को किया गया बैन। वज्रपात से 18 लोगों की मौत पर सीएम ने जताया शोक। भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत दर्ज कर पॉइंट टेबल में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे ने इन 5 ट्रेनों का परिचालन किया रद्द। उत्तर बिहार में हो रही बारिश की वजह से रेल खंडों पर जलजमाव होने के कारण संरक्षा के दृष्टिकोण से रेलवे के द्वारा 5 ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि जिन 5 ट्रेनों के परिचालन को रद्द किया गया है उनमें अमृतसर से खुलने वाली गाड़ी संख्या 05733, अमृतसर कटिहार स्पेशल, कटिहार से खुलने वाली गाड़ी संख्या 05734, कटिहार अमृतसर स्पेशल, कामाख्या से खुलने वाली 15655, कामाख्या SBD कटरा एक्सप्रेस, गुवाहाटी से खुलने वाली गाड़ी संख्या 15651 गुवाहाटी जम्मूतवी एक्सप्रेस और कटरा से खुलने वाली 15656 SBD कटरा कामाख्या एक्सप्रेस के नाम शामिल हैं। बता दें कि इन ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को होने वाली परेशानियों को लेकर रेलवे की ओर से खेद जताया गया है। वार्षिक STET नहीं होने से रिक्तियां भरने में संकट। बिहार शिक्षक नियुक्ति में सालाना STET नहीं होने से +2 स्कूलों की रिक्तियों को भरने में संकट आ रहा है। बता दें कि BPSC से जुड़े आधिकारिक जानकारों के अनुसार बीते दिन तक कुल आवेदनों की संख्या 6.70 लाख है, जबकि अब तक पंजीयन कराने वालों की संख्या 7.68 लाख है। मालूम हो कि आंकड़े बीते दिन शाम 6 बजे तक की है। बता दें कि इन आंकड़ों में 3/4 से अधिक आवेदन प्रारंभिक कक्षाओं से जुड़े बताए जा रहे हैं। मालूम हो कि आज आवेदन करने की समय सीमा खत्म हो रही है। ऐसे में विशेषज्ञों के मुताबिक कक्षा 1 से 5 तक में पदों की तुलना में 4 से 5 गुना आवेदन आने की संभावना है। वहीं कक्षा 9 से 10 में आवेदन से कुछ ही अधिक और 11 व 12 कक्षाओं की रिक्तियों के लिए पद के बराबर भी आवेदन आने की संभावना नहीं दिख रही, जो कि चिंता का विषय बन गया है। 19 जुलाई को मुख्यमंत्री सरस्वती घाट का करेंगे उद्घाटन। 18 जुलाई से राजगीर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले की शुरुआत हो रही है। ऐसे में 19 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राजगीर स्थित सरस्वती घाट का शुभारंभ करने वाले हैं। इस दौरान वे महाआरती में भी शामिल होंगे। बता दें कि ऐसा राजगीर में पहली बार होने वाला है, जब बनारस के तर्ज पर राजगीर में गंगा महाआरती का आयोजन होगा। यह गंगा महाआरती का आयोजन सरस्वती नदी के तट पर किया जाएगा। मालूम हो कि इस घाट को बेहतर लुक देने के लिए भगवान शिव की एक प्रतिमा भी लगाई गई है, जिनकी जटा से गंगा की धार निकल रही है। इसके साथ ही यहां आने वाले साधु संतों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए आवासन की व्यवस्था भी की गई है। बीजेपी नेता की मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आया सामने। 13 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी के द्वारा निकाले गए विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी के एक नेता विजय सिंह की मौत हो गई थी, जिसके बाद बीजेपी की ओर से सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा गया था कि बीजेपी नेता की मौत लाठीचार्ज के दौरान चोट लगने से हुई है। वहीं अब इस मामले की जांच को लेकर बनाई गई टीम के द्वारा बीते दिन जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर को सौंप दी गई है। बता दें कि जारी किए गए इस रिपोर्ट में टीम के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उनकी मौत लाठी लगने से नहीं हुई थी। वे डाक बंगला चौराहा की तरफ गए भी नहीं थे, वे खुद ही गिर गए और उनकी मौत हो गई। बता दें कि चिकित्सकों की टीम के द्वारा भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ओपिनियन को रिजर्व कर दिया गया है और फिलहाल फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। बता दें कि बिसरा को सुरक्षित जांच के लिए FSL भेज दिया गया है। अब 4 से 5 दिनों में रिपोर्ट मिल जाएंगे, उसके बाद विजय सिंह की मौत का कारण और भी स्पष्ट हो जाएगा। वज्रपात से 18 लोगों की मौत पर सीएम ने जताया शोक। बिहार में वज्रपात से अब तक 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसमें सासाराम में 5, अरवल में 4, छपरा में 3, औरंगाबाद में 2, मोतिहारी में 2 और बांका वैशाली में 1-1 शख्स की मौत हुई है। बता दें कि 18 लोगों की मौत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शोक व्यक्त किया गया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राज्य के कई लोगों की वज्रपात से मृत्यु दुखद है। मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरते, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी सुझावों का अनुपालन करें। खराब मौसम में घर में रहें, सुरक्षित रहें। बता दें कि मौसम विभाग की ओर से भी प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही चेतावनी दी गई है कि बारिश के दौरान पेड़ के नीचे शरण न ले, जब तक मौसम खराब रहता है। खुले में जाने से बचें और पक्के मकान की शरण में रहें।
पर इसमें बिहार के लाल ने लहराया तिरंगा। बिहार के युवा किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, इसे कई बार साबित किया जा चुका है। वहीं अब एक और ऐसा उदाहरण आ चुका है जो एक बार फिर से यह सिद्ध कर रहा है कि बिहार का युवा हर क्षेत्र में आगे है। बता दें कि बिहार के जमुई जिले के इस्लाम नगर अलीगंज प्रखंड से ताल्लुक रखने वाले शैलेश कुमार के द्वारा पेरिस में आयोजित वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 63 कैटेगरी के हाई जंप कंपटीशन में रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करने का काम किया। मालूम हो कि भारतीय दल में जगह बनाने में कामयाबी हासिल करने वाले शैलेश कुमार बिहार के दूसरे एथलीट हैं, क्योंकि बिहार के और अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपियन शरद पवार ने भी इस कंपटीशन में भाग लेते हुए 5वां स्थान ग्रहण किया। शरद कुमार रियो पैड ओलंपिक में पदक जीतने वाले बिहार के एकमात्र एथलीट हैं। बिहार में इन 14 दवाइयों को किया गया बैन। बिहार में 14 दवाइयों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। बता दें कि यह काम बीते दिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से की गई है। मालूम हो कि इन दवाइयों पर बैन लगाने को लेकर जिला औषधि नियंत्रक प्रशासन की ओर से प्रदेश की सबसे बड़ी दवा मंडी और स्टॉकिस्ट को दवाइयों की लिस्ट भेज दी गई है और कंपनी को उन दवाइयों को लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन 14 दवाइयों पर बिहार में बैन लगाया गया है उनमें निमोसुलाइड, पेरासीटामोल, क्लोरफेनिरामीन, कोडिन सिरप, फुल्कोडाइन, प्रोमेथाजीन, एमकीसिलीन, ब्रोम हेक्सीन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन, अमोनियम क्लोराइड मेथॉल, पेरासीटामोल, ब्रोम हेक्सीन समेत कई दवाई शामिल हैं। CBSE 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तिथि जारी। अगर आप भी इन छात्र छात्राओं में से हैं जो CBSE बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के शैक्षणिक सत्र 2023-24 में परीक्षा देने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है, जिसके अनुसार 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा वर्ष 2024 में 15 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। बता दें कि ये परीक्षाएं 55 दिनों तक चलने वाली है। वैसे छात्र जो इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वह CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर इससे जुड़ी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद्रयान 3 मिशन में बिहार के लाल अमिताभ ने निभाई यह भूमिका। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग में बिहार के समस्तीपुर जिले के लाल अमिताभ कुमार के द्वारा इस मिशन में ऑपरेशन डायरेक्टर के रूप में काम किया गया। ऐसे में अमिताभ और उनकी टीम की देखरेख में चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगी। उन्होंने मिशन चंद्रयान 1 में भी प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम किया था। उनके अनुभव को देखते हुए इस मिशन में भी अहम जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमिताभ कुमार के पिता के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एमटेक करने के अंतिम साल के दौरान अमिताभ कुमार ने प्रोजेक्ट वर्क के लिए इसरो के 3 केंद्रों पर आवेदन दिया था, जिसमें उन्हें बुलावा जोधपुर से आया और वे 2002 में इसरो से जुड़े। नदी की तेज धारा में दो राज्य को जोड़ने वाला डायवर्जन बहा। बिहार में हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसे में कई नदियां ऐसी हैं जो खतरे के निशान के आसपास पहुंच गई हैं। इसी कड़ी में एक ताजा जानकारी यह निकलकर सामने आ रही है कि बांका में बांका पंजवाड़ा स्थित चीर नदी पर बना डायवर्जन पानी की तेज बहाव में बह गया, जिस वजह से इस मार्ग पर आवागमन बंद हो गया है। बता दें कि इस डायवर्जन के बहने से बिहार का झारखंड और बंगाल से सीधा सड़क संपर्क टूट गया है। बता दें कि इससे पहले पिछले सप्ताह भी डायवर्जन बह गया था, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। वहीं सबके अलावा नदियों के तेज बहाव के कारण सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के कई गांवों में पानी घुस आया है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को ऊपरी जगह की ओर पलायन करना पड़ रहा। बिहार में जल्द होगी 3,270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति। बहुत जल्दी बिहार में 3,270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति होने वाली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार के द्वारा सीटों के शेयरिंग का फॉर्मूला जारी कर दिया गया है। बता दें कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आयुष क्षेत्र के आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी विधा के बीच किया जाएगा। मालूम हो कि इसको लेकर संकल्प जारी कर दिया गया है, जो कि स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त सचिव अलंकृता पांडे के हस्ताक्षर से हुआ है। बता दें कि इनमें 50% सीटों पर आयुर्वेद, 30% पदों पर होम्योपैथ और 20% सीटों पर यूनानी विधा के चिकित्सक बहाल किए जाएंगे। विभाग की ओर से वर्ष 2020 में 3,270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे, जिसमें से आयुर्वेद के लिए 1,635 सीटें, होम्योपैथ के लिए 981 सीटें और यूनानी डॉक्टरों के लिए 654 सीटें थी। 2024 के जनवरी में होगा पटना के साइंस सेंटर में एवोल्यूशन गैलरी का उद्घाटन।
बिहार की राजधानी पटना में स्थित श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के तीसरे तले पर 3D टेक्नोलॉजी के साथ वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करते हुए इवोल्यूशन गैलरी का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा और फिर वर्ष 2024 में इस इवोल्यूशन गैलरी का उद्घाटन किया जाएगा। मालूम हो कि इस गैलरी के निर्माण को लेकर जो मॉडल डेवलप किए जा रहे हैं उसे कोलकाता से लाया जाएगा। हालांकि पटना की टीम भी इसे बनाने का काम कर रही है। इस विज्ञान केंद्र के शिक्षा सहायक मोहम्मद आफ्ताब हुसैन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गैलरी में 3D तकनीक से मानव की धरती पर विकास यात्रा के साथ साथ मानव सभ्यता के विकास और पलायन की प्रक्रिया को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा इस गैलरी में अन्य जीवों के भी विकास के यात्रा को दिखाया जाएगा। बीजेपी ने चिराग पासवान को अपने पाले में लाने के लिए भेजा बुलावा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से अपनी जीतोड़ कोशिश की जा रही है। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों को एक करने पर काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के द्वारा NDA के पुराने साथियों को लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। बता दें कि इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से अपने पाले में लाने के लिए लेटर लिखकर बुलावा भेजा गया है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने भी चिराग पासवान से मुलाकात की और साथ ही डिनर भी किया। बता दें कि इस दौरान चिराग पासवान के NDA में शामिल होने की डील फाइनल हो गई। इसके साथ ही चिराग पासवान को 18 जुलाई को दिल्ली में NDA की होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए न्योता भी दिया गया। लाठीचार्ज की जांच को लेकर बीजेपी की केंद्रीय टीम पहुंची पटना। बीते 13 जुलाई को बीजेपी के बिहार विधानसभा मार्च के दौरान पटना पुलिस के द्वारा किए गए लाठीचार्ज को लेकर इस मामले की जांच करने के लिए बीजेपी की ओर से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद मनोज तिवारी, सांसद विष्णुदयाल राम और सांसद सुनील दुग्गल की एक 4-सदस्यीय टीम का गठन किया गया। बता दें कि यह टीम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा की गई है। वहीं अब यह 4-सदस्यीय टीम आज बिहार की राजधानी पटना पहुंच चुकी है, जहां वह पटना पहुंचने के बाद सबसे पहले डाक बंगला चौराहा पहुंचे और आसपास के लोगों से लाठीचार्ज की जानकारी ली। बता दें कि इस टीम के द्वारा लाठीचार्ज की घटना की जांच की जाएगी और फिर इस घटना से जुड़ी रिपोर्ट तैयार कर 2 दिनों के भीतर JP नड्डा को सौंपी जाएगी, जिसके बाद इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत दर्ज कर पॉइंट टेबल में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ा। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में एक पारी और 141 रन से शानदार जीत हासिल की है। वहीं इस जीत के बाद भारत अब वो देश बन गया है जिसने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मैचों में जीत दर्ज की है। वहीं भारत के इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अंग्रेजी टीम इंग्लैंड है, जिसे भारत ने 31 बार हराया और वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में जीत के साथ भारत ने उसे तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 23 मैचों में शिकस्त दी है। इसके बाद 22 मैचों में न्यूजीलैंड और 22 मैचों में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में जीत दर्ज की है। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों क्रीज पर टिक नहीं सके और सिर्फ 130 रन पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। साथ ही यशस्वी जायसवाल ने अपने पहले टेस्ट में दमदार 171 रन की पारी से टीम का स्कोर बढ़ाने में मदद की। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कमलेश शर्मा, सुनील ऋषिदेव, नुनू गोलू कुमार, मोटू रंगेला, उमेश सिसदेव, रंजीत मिश्रा, ज्योति कुमारी, अरुण प्रभाकर, बाबूलाल मरांडी, सदुल्ला पलवी, रवीश कुमार, सुरेश कुमार, कामेश्वर, PD सिंह, मोहम्मद सकीर हुसैन, नौसल अंसारी, वैद्यनाथ ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार चिराग पासवान के NDA में शामिल होने से बीजेपी को क्या लाभ मिलेगा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।